नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका लंच सेंटर टेक्नोलॉजी में। तो देखिए, ऑफर जो होता है बहुत ही बेहतरीन चीज होता है। अब मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप ऑफर दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट में, अगर आपने कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब मान लीजिए ना कि दो लैपटॉप हम लोग लेते हैं, एक लैपटॉप का प्राइस लेते हैं 30,000 और दूसरे लैपटॉप का प्राइस लेते हैं हम लोग 40,000। ठीक है, अब देखिए ये 30,000 का जो लैपटॉप है इसमें 1 ईयर की वारंटी है जो कि आप फ्री दे रहे हैं। उसके बाद में ये बाकी जो भी बैग वगैरह होता है, बैग माउस वगैरह, ये सब चीजें फ्री दे रहे हैं। अब 40,000 वाला जो लैपटॉप है इसमें क्या बोले कि आप 999 रुपये दीजिए एक्स्ट्रा, आपको 3 ईयर वारंटी मिलेगी। ठीक है, और इस केस में क्या है कि आपको यहाँ पे लैपटॉप के दुकान पे जा करके आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या है कि आपके होम सर्विसिंग करेंगे या आपके घर पे आकर के आपके लैपटॉप को ठीक करके जाएंगे, नहीं ठीक होगा तो सामान को रिप्लेस करेंगे। मात्र 999 में 3 ईयर वारंटी बढ़ जाएगी। अगर मैं मान लीजिए ना कि अगर मैं प्राइस देखूँ तो 10,000 के गैप है, लेकिन मैं भर तक प्रयास करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लगभग सेम होते हुए भी मैं भर तक प्रयास करूंगा कि मैं ये लैपटॉप, क्यों, क्योंकि मैं अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, ये भी बैग वगैरह माउस वगैरह सारा कुछ देंगे, अगर मैं इसमें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरा 999 रुपया लग रहा है और 3 सालों के लिए मेरा लैपटॉप जो है वो सेफ हो जाएगा, यानी कि घर पे आकर के सर्विसिंग वगैरह मिलेगी। इस केस में मैं जाऊंगा 40,000, जबकि यहाँ पे मेरा प्राइस लगभग 11,000 रुपये ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे प्राइस कंपेयर ना करते हुए मैं इन चीजों को देखूंगा, ये जो ऑफर कर रहे हैं, जो 3 साल का वारंटी ऑफर कर रहे हैं, सामान का रिप्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं, साथ ही साथ घर पे आकर के ठीक करेंगे, तो मैं उस केस में जाकर के 40,000 वाला लैपटॉप, यानी कि अगर आपका प्राइस कॉस्ट कहीं ज्यादा है तो आप बाकी लोगों से वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड कीजिए, यानी कि आप वैसा क्या दे रहे हैं जो आपको उस प्राइस सेगमेंट में रखता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे हम लोग आते हैं मार्केटिंग चैनल के बारे में। अब मान लीजिए मैंने ये ऑफर रख दिया, ठीक है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो जब लोगों को ये पता ही नहीं रहेगा कि मैंने कुछ ऑफर दिया है तो वो लोग खरीदेंगे कैसे, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं मार्केटिंग चैनल। यानी कि अगर हम चाहें तो वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते हैं, उनको ड्राफ्ट या नोट्स भेज सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनको बता सकते हैं, या फोन पे कॉल करके बता सकते हैं कि आप अपने लैपटॉप सर्च कर रहे थे या लैपटॉप देख रहे थे, हमारे लैपटॉप में ये फैसिलिटी है, हम आपको ये ऑफर करते हैं। यानी मार्केटिंग चैनल वो चीजें होती है जो आपके ऑफर को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करे या लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे कि आपने ये ऑफर दिया है और आपका ऑफर इन इन चीजों पे है, अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो प्राइस सेगमेंट है, पोजीशनिंग अपने अपना मार्केट में डन कर लिया है, उसके बाद में आप कुछ ऐसा ऑफर निकाले जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे। प्राइस सेगमेंट पे हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, बट लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे, लोगों को इजी टू यूज हो, और वो ऑफर जो है मार्केटिंग चैनल के थ्रू अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को उस ऑफर के बारे में पता चले और आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, हम लोग कुछ और प्रमोशनल टिप्स के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।